देखिए अगर आप आसनल के फैन हैं ना तो ऑफकोर्स आप अभी खुश नहीं हो ठीक है जब आपकी टीम हारती है तो तो कौन सा फ़ैन खुश होता है राइट right? लेकिन अगर आप आसनल के फैन हो तो मैं एक और बात आपको बता दूँ दैट थिंग्स आर एक्चुअली नॉट दैट बैड एट ऑल इनफैक्ट एक बहुत ही सिंपल तोड़ है आसनल की सारी प्रॉब्लम्स के लिए या एक्चुअली मैं सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं बोलूँगा आसनल की सिंगुलर प्रॉब्लम के लिए आसनल निल वेस्ट हैम टू एक इंपॉर्टेंट प्रीमियर लीग गेम डेफिनेटली मैं बोलूँगा मिकेल आर्टेट और आसनल हार गए बिकॉज क्रिसमस पे दे वो टॉप ऑफ द टेबल और अब इट्स एक्चुअली लिवरपूल बिकॉज दे वन देयर मिड गेम और 19 गेम्स इन मतलब के आधा सीजन हो चुका है प्रीमियर लीग का एंड इट्स लिवरपूल

देवर ऑन टॉप अ कपल ऑफ डेज अ गो पिछले साल से पिछले सीजन की शुरुआत से ही देव बिन अ टीम टू बी टेकन वेरी सीरियसली इन द प्रीमियर लीग टाइटल कंटेंडर्स नॉट प्रिटेंडर्स एनी मोर तो वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है ठीक है बिकॉज जैसे हमने लिवरपूल के साथ भी देखा है विथ यर्गन क्लॉप दो हजार पंद्रह में आए कुछ थोड़ा टाइम लगा ऑफकोर्स टीम पूरी तरीके से रिवैम की और धीरे धीरे बिकेम टाइटल कंटेंडर्स

प्रोग्रेस रही है विथ आसनल जो जिस तरीके से मैनेजर एंड क्लब ने दोनों ने साथ में ग्रो किया है वो बहुत ही बेहतरीन है अब प्रॉब्लम क्या है आसनल में कल की मैच मैंने देखी और आई फील लाइक आसनल आर द बेस्ट टीम इन द प्रीमियर लीग टू वॉच ठीक है आसनल आर द बेस्ट टीम इन द प्रीमियर लीग टू वॉच बिकॉज उनके जो जो पैटर्नस है ना प्ले के आई थिंक वी आर सींग नॉट इवन शेड्स बट वेरी मच अ काइंड ऑफ रेप्लिका ऑफ वॉट वी हैव ऑलवेज नोन आसनल टू बी अंडर आसन वेंगर जिस तरीके के इंट्रिकेट पैटर्न देखने को मिलते थे डैट वन टच पासिंग द ओरिजिनल टिकी टाका एज आई कॉल इट इवन बिफोर पेप गॉडियल आई इंट्रोड्यूस्टेड आसनल आसन वेंगर आसन व नोन फॉर फॉर द प्लेइंग अ ब्यूटिफुल पासिंग गेम और आटेटा की जो टीम है वो

प्लेइंग लाइक दैट उनके अंदर वो सारे ट्रेड्स है ऑफ पासिंग द बॉल अराउंड वो अवेयरनेस हाफ स्पेस में घुसनाट राइट right? तो सिटी के पास वो लेकिन जो फ्लूडिटी आसनल के गेम में है विद द लाइक्स ऑफ मार्टिन ऑडिगार्ड साका मार्टिन एली गैब्रियाल हैसूस डेकलिन राइस ज्वाइनिंग इन फ्रॉम डिफेंसिव मिड जो पैटर्न देखने को मिलते हैं इंट्रिकी देखने को मिलती है आसनल के गेम में वो वाकई में आई थिंक इट्स द बेस्ट इन द लीग और कल भी इट वॉज ऑन फुल डिस्प्ले ठीक है फुल डिस्प्ले मतलब अगर आपने मैच देखी और लेट्स जस्ट से कि आपको स्कोर लाइन नहीं पता तो आप बोलोगे कि आसनल वुड एव माइंड एफ थ्रेड वेस्ट हैम अगर आपने सही फर्स्ट हाफ देखा एंड फर्स्ट हाफ में लैस जैसे गोल नहीं हुआ और आपको इसने प्रिडिक प्रेडिक्ट प्रेडिक करने बोला बताओ भाई हाफ फुल टाइम पे स्कोर क्या होगा आप बोलते हैं आसनल थ्री वेस्ट हैम निल something like that because West Ham hardly created anything. From what they did create, they did score, which is credit to David Moyes and West Ham. lekin for Arsenal that's a big worry, right? Because possession to chodo yaar 79 to 21 one. तो इससे आपको dominance समझ में आ जाती है कि क्या dom किस तरीके से Arsenal ने dominate किया match. लेकिन a lot of the times it can also mean that ah okay possession तो है team के पास लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि they're always

सूस से बात नहीं बन रही का बात नहीं बन रही हू डेंट प्ले यस्टडे ऑफकोर्स लेकिन ओवरऑल का नहीं बात बन रही दे नीट संबड़ी हु कैन गेट देम एट लीस्ट एट लीस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी गोल्स एवरी सिंगल सीजन और वॉट बेटर टाइम आई थिंक फॉर आसनल टू रियलाइज दिसन इन येस्टेज गेम अगेंस्ट वेस्ट हेम

he's uh, dipped off slightly from where he was last season which he might have but still still the the, the best striker in the league 15 match mein 14 goals and then you have alvarez with five, you have bernardo silva with five, phil foden with five, so ye support hai theek hai बाकी के जो तीन उनके दूसरे अटैकिंग प्लेयर्स हैं उनके आप कर लोगे पंद्रह उन्होंने मिलाए हैं लेकिन उन पंद्रह के लिए अर्लिंग हाललैंड ने ऑलमोस्ट उतने अकेले ने स्कोर किए हैं बिकॉज दैट इज हिज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्ट्राइकरली वॉट ही डज लिवरपूल में देख लो मोसाला ट्वेल्व गोल्स ऑलरेडी इन एटीन गेम्स एंड देन यू हैव डाविन न्यूनेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग विदार यू है लूस डिया के भी मेरे ख्याल से पाँच हैं तो मतलब के बाकी के जो आपके अटैकिंग प्लेयर्स हैं दे आर गेटिंग यू अबाउट टेन टू फिफ्टीन एंड मू साला अकेला हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग साला इज़ नॉट अ स्ट्राइक बट वेल वी ऑल नो ही इज लिवरपूल स्टाइल मैन जहाँ पे गोल्स की बात आती है एंड अदरवाइज ऑल्सो आसनल में कौन है पिछले सीजन मार्टिन ओडेगार्ड फिनिश्ड एज द टॉप स्कोरर इन द प्रीमियर लीग अलोंग विद गैवरियल मार्टिनेली दोनों के पंद्रह गोल्स थे प्रीमियर लीग में तो कहीं ना कहीं पता था दैट ये फिर से रेप्लीकेट करना मुश्किल होने वाला है बिकॉज ओडेगार्ड इज मिडफील्डर एंड मार्टिन अली वेल जैसे मैंने सलाह के बारे में बोला इट्स नॉट डेट यू कॉन्ट स्कोर और बी द टीम्स टॉप स्कोरर एंड द टॉप गोल थ्रेट फ्रॉम द विंग्स लेकिन मार्टिन एली इज बाय नो मीन्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला वेन इट कम्स टू दैट राइट एंड इस सीजन वो देखने को मिल रहा है नो वेयर नियर एज मेनी गोल्स फॉर मार्टिन एली एज दे वर लास्ट टाइम आउट स्ट्राइकर्स में कौन है गैब्रियाल हैसूस जो पिच लास्ट नाइट वॉज अगेन अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हाउ आसनल कैनॉट बी रिलाइंग ऑन हिम फॉर गोल्स इस सीजन मेरे ख्याल से प्रेमियर लीग में सिर्फ तीन गोल्स है उनके. हैं उनके एडी एन कैटिया के पांच हैं Uh, who else? Kai कावर्ट्स I think has uh, scored uh, uh, four times also in the league. तो मतलब कि आपके जितने strikers हैं खास करके एनकेटिया हैवर्ट्स and Gabriel Jesus, इनके मिला के कुछ दस गोल हो रहे हैं अब तक right? अब don't get me wrong, Gabriel Jesus, मैंने जो Arsenal के patterns की बात करी जो इंटरकेट प्ले की बात करी अगर अपने कल की मैच देखी हो ही इज़ वेरी मच इन्वॉल्व विद that.

ट योर स्ट्राइकर यू वॉन्ट टू सेबाउट योर स्ट्राइकर क्या फिनिश किया है ओके ही वॉज अ बिट सेल्फिश एट टाइम्स बट एज अ स्ट्राइकर ही हैड टू बी सो ही वॉज एंड पाँच चांसेज मे से स्कोर टू दैट्स एक्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू सेबाउट योर स्ट्राइकर यू डोंट वॉन्ट टू से भाई कितना क्या मस्ट पास दिया वो वॉट अ टर्न वॉट अ टर्न वॉट अल वॉट अ पास एंड गैब्रियलूस के बारे में अगर मैं तारीफ करना चाहूँगा गैब्रियलूस की तो अनफॉर्चुनेटली फॉर आसनिल मुझे ये चीजें बोलनी पड़ रही है लेकिन को जो चाहिए, सो so, अगर आपको टाइटल विनिंग टीम बनानी है तो भाई आपको स्ट्राइकर की जरूरत है एंडासनल को 100 परसेंट स्ट्राइकर की जरूरत है अब, बिकॉज गोल स्कोरिंग के जो आपको मैंने आंकड़े भी बताए वो वो आप सबके सामने and एक्चुअली इन द लीडर टू द गेम अगेंस्ट वेस्ट हैम आटेटा को पूछा भी गया कि क्या आप वुड यू बी ओपन टू स्पेंडिंग इन द इन द जनवरी ट्रांसफॉर विंडो एंड आटेटा डिट से दैट येस आई हेड बी विलिंग टू स्पेंड एंड जो मेजोरिटी ऑफ द स्पेंडिंग है दैट हैज टू बी ऑन अ प्रॉपर स्ट्राइक फॉर आसनल अब पाँच प्लेयर्स वैसे ही बाहर हैं आसनल के लिए यू uh, नो you know, थ्रू इंजरी टॉमी एसू एंड फ्यू अदर्स लेकिन जहाँ पे स्ट्राइक उनके बिना मैं बोलता हूँ कि आसनल कैन कैन स्टिल कोप ठीक है इंजरीज के लिए स्क्वाड डेप के लिए बोज आसनल ऑब्वियसली चैम्पियंस लीग में भी है तो वहां पर भी इट्स गोइंग टू बी यू नो अ लॉन्ग सीजन तो स्क्वाड डेप की जरूरत तो पड़ेगी लेकिन अगर प्रीमियर लीग जीतना है ना आसनल का लेट्स बी ऑनेस्ट उनका फोकस इज द प्रेमियर लीग दिस सीजन आसनल आर नॉट एक्सपेक्टेड टू विन द चैंपियंस लीग

बात आटेडा को भी पता है दैट प्रीमियर लीग इज हिज प्रायोरिटी आसनल प्रायोरिटी समर में आसनल एंडेड अप स्पेंडिंग अबाउट टू हंड्रेड मिलियन ऑन प्लेयर्स जिसमें से एक सौ पांच मिलियन तो डेकलिन राइस के लिए दिए गए विच स्टेलर साइनिंग बाय द वे स्टेलर साइनिंग बिकॉज जिस तरह का ग्राउंड ये बंदा कवर करता है आसनल में ही इज इन वैल्यूएबल लिटरली इन वैल्यूएबल ठीक है डूइंग एग्जैक्टली वॉट

सोफार लेकिन कम जनवरी इफ आर्सनल हैव टू कंपीट फॉर द टाइटल दैन साइनिंग अ स्ट्राइकर इज इम्पेरेटिव